हेलो गाइस वेलकम बैक टू प्राइम कैम कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे सो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चैप्टर को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जितने भी जनरल टर्म्स जो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगी सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेलाइकन को जरूर प्रेस कर लेना तो फिर कंटिन्यू करते हैं आज के क्लास को फर्स्ट इसके अंदर डेफिनेशन है मोनोक्रोमेटिक लाइट अब आप ये चैप्टर अगर पढ़ रहे हो स्टीरियो केमिस्ट्री तो आपको ये सारी जो टर्म्स है बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर होनी चाहिए मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है अ रे ऑफ लाइट ठीक है एक रे जो आ रही है लाइट की उसमें क्या होता है विच कंसिस्ट ऑफ वेव्स हैविंग ओनली वन वेवलेंथ मतलब जो वेव्स आएंगी ठीक है जो भी वेव्स आएंगी उनकी जो वेवलेंथ होगी वो सिर्फ क्या होगी एक ही टाइप की होगी ओनली वन टाइप ऑफ वेवलेंथ वहां पर हमें देखने को मिलेगी सो अ रे ऑफ लाइट व्हिच कंसिस्ट ऑफ वेव्स हैविंग ओनली वन वेवलेंथ वहां पर जो वेव्स आएंगी उन सभी की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी वो एक ही तरीके की होगी ठीक है क्लियर हो गया मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्लेन पोलराइज्ड लाइट ठीक है प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है तो देखिए लाइट जिसकी जो वाइब्रेशन है सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर होती है ठीक है ओनली वन प्लेन सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर जिसकी वाइब्रेशन होंगी तो वो क्या हो जाएगी प्लेन पोलराइज लाइट हो जाएगी इसके बाद प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है तो प्लेन जिसके थ्रू जो, जो हमारी वाइब्रेशन है वो होगी ठीक है वही क्या हो जाएगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इसके बाद जो निकोल प्रिज्म होता है उसको हम यूज करते हैं पोलराइज करने के लिए किसको लाइट को तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे पोलराइजर क्या बोलेंगे पोलराइजर तो देखिए यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है ठीक है कोई भी जो हमारे सोर्स ऑफ लाइट होगी वो तो यहां से आएगी क्या अनपोलराइज लाइट इसे पोलराइज कैसे किया जाएगा सोर्स ऑफ लाइट था उससे कैसी लाइट आई अनपोलराइज लाइट हमने यूज किसका किया पोलराइजर का हमने यूज किया तो जो लाइट है वो क्या हो जाएगी पोलराइज लाइट क्लियर कैसी लाइट हो जाएगी वो पोलराइज लाइट हो जाएगी इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है तो वो सब्सटेंसेस जो रोटेट करते हैं क्या बात कर हैं हम वो सब्सटेंसेस जो रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को उन्हें हम क्या बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन से सब्सटेंस होंगे जो रोटेट करेंगे को को जो polarized light उसके plane को क्या कर देंगे? वो रो, rotate कर देंगे देंगे इस ऑप्टिकल एक्टिविटी हम बोल देंगे इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर टू टर्म्स और आएंगी डेक्सट्रो रोटेटरी क्या होता है लीवो रोटेटरी क्या होता है अब रोटेशन राइट साइड डेक्सट्रो रोटेटरी लेफ्ट साइड लीवो रोटेटरी तो देखिए डेक्सट्रो रोटेटरी क्या हो जाएगा वो सब्सटेंसेस जो रोटेट करेंगे प्लेन ऑफ पोलराइज़ लाइट को टुवर्ड्स द राइट ठीक है राइट right की तरफ तो वो डेक्सट्रो रोटेटरी हो जाएंगे एंड जो सब्सटेंसेस रोटेट करेंगे प्लेन ऑफ पोलराइज़ लाइट को लेफ्ट की तरफ वो क्या हो जाएंगे लेवो रोटेटरी हो जाएंगे सिंपल था डेक्सट्रो रोटेटरी क्या होता है राइट right की तरफ रोटेटरी क्या हो जाएगा लेफ्ट right की तरफ ठीक है रोटेटरी कहाँ रोटेट करेगा प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट करेगा एंड लीवो रोटेटरी लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा तो वो क्या हो जाएंगे एक रोटेटरी दूसरा क्या हो जाएगा लीवो रोटेटरी नेक्स्ट है फिर पोलिमीटर पोलिमीटर क्या होता है इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए एंगल ऑफ रोटेशन को प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट की ठीक है वो क्या होगा पोलिमीटर हो जाएगा तो जो एंगल ऑफ रोटेशन है जिसके थ्रू प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट हमारी रोटेट हुई है किसी भी हमारी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की वो किस पे डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी हमारी बहुत सारी फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे जिनके ऊपर वो डिपेंड करेगी किसके हम बात कर रहे हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा हमारा जिस एंगल के थ्रू रोटेशन हुई है तो जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा जिसके थ्रू प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट हमारी रोटेट हुई है किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू डिपेंड किस पे करेगी वो बहुत सारी फैक्टर्स यहाँ पर आएंगी कौन कौन से फैक्टर्स एक बार देखिएगा इनको ध्यान से फर्स्ट फैक्टर आएगा नेचर ऑफ कंपाउंड कंपाउंड का नेचर कैसा है किस तरीके का वो हमारा कंपाउंड होगा इस चीज पे डिपेंड करेगा दूसरा लेंथ पे जो लिक्विड कॉलम लिया है जिसके थ्रू लाइट पास होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा इसके बाद सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा एंड सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा इन केस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ओनली ठीक है सिर्फ सॉलिड की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और वेवलेंथ पे लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या है ठीक है कौन सी वेवलेंथ की लाइट को यूज किया जा रहा है इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा क्लियर हो गया नेक्स्ट फिर स्पेसिफिक रोटेशन ठीक है ध्यान से समझना है इसको स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है तो देखिए स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो जाएगा कंपेयर करने के लिए रोटेटरी पावर्स को ये जो हमारी रोटेटरी पावर है उसको कंपेयर करने के लिए अलग अलग सब्सटांसेस की ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम एक्सप्रेस कर देते हैं स्पेसिफिक रोटेशन के टर्म्स में तो यहां पर क्या हो जाएगा अल्फा, टी और यहां पर क्या आ जाएगा डी ठीक है ऐसे हम क्या करेंगे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा हमारी प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट का जो कि प्रोड्यूस किया है किसने बाय ट्यूब जो की वन की मतलब टेन सेंटीमीटर की है इन लेंथ फिल्ड किया गया कि इसको सोल्यूशन के साथ में जहां पर, पर ग्राम हमने यहां पर, पर, पर हम इसका यूज करेंगे तो इस लाइट को हम क्या बोलेंगे डी लाइन ऑफ सोडियम क्या बोलेंगे डी लाइन ऑफ सोडियम तो देखिए स्पेसिफिक रोटेशन को जनरली कैलकुलेट हम कैसे करते हैं यहाँ पर ये इक्वेशन आती है जिसके थ्रू जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसको कैलकुलेट किया जाता है तो ये अल्फा टी डी किसके इक्वल हो जाएगा? किसकेब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन मतलब जो भी एंगल ऑफ रोटेशन आया है जो हमने ऑब्जर्व किया है वो आपको ऊपर रख देना है स्पेसिफिक रोटेशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे यहां पर हमें जो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन है उसको ऊपर रख देना है बाय मी एल इन टू डी ठीक है ये आपको कर देना अब ये हम आपको बताएंगे क्या होता है l क्या है d क्या है तो देखिए d क्या होता है वेट ठीक है ग्राम के अंदर हम ले सकते हैं सॉल्यूट का 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में जो है या फिर डेंसिटी सब्सटेंस की अगर वो लिक्विड है तो ठीक है डेंसिटी हो जाएगी अगर लिक्विड है l क्या है लेंथ है डेसीमीटर के अंदर सब्सटेंस की ठीक है l इन डेसीमीटर ऑफ द ट्यूब जो कि फिल की गई है सैंपल के ठीक है उस ट्यूब के अंदर हमने सैंपल जो हमारा यूज कर रहे हैं सैंपल उसको हमने उसके अंदर डाल रखे तो उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करेगा तो जो एल है वही क्या है हमारी लेंथ लेंथ हो जाएगी को हमने रिप्रेजेंट किया है एल के साथ में एंड वेट को ग्राम के अंदर हम ले रहे हैं उसको हमने रिप्रेजेंट किया है या फिर डेंसिटी हो जाएगी सब्सटेंस की सिर्फ लिक्विड के केस के में अगर वो लिक्विड है तो क्लियर हो गया सो so, यहाँ तक ये सारी जो बेसिक टर्म्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं तो ओके सो आई होप सारी टर्म्स आपको क्लियर होंगी कहीं पे भी आपको डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर थैंक्स फॉर वॉचिंग